हाय स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बीच में डिफरेंस। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा थिन लाइन है, स्टूडेंट्स को तो नॉर्मली यही लगता है कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर दोनों की दोनों सेम बात हैं, लेकिन देखने वाली बातें रहेंगी यहाँ पर, क्योंकि इसमें बहुत ही मेजर डिफरेंसेज हैं, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करते हैं द वर्ड ऑफर। ऑफर, यार ऑफर वर्ड सुनते ना बच्चों के चेहरों पे, नालायकों के चेहरों पे ना स्माइल आ जाती है। कह रहे सर ऑफर, ये तो सर बताओ मत आप हमें, ये तो हम लोग बचपन से दे रहे हैं, स्कूल टाइम से देते आ रहे हैं। हाँ कि ना, कोई सुंदर सी लड़की देखी नहीं और ऑफर दे दी? हाँ कि ना, सुंदर सा कोई लड़का देखा नहीं तो उसे भी प्रपोज कर दिया? सर ऑफर तो हमें पता ही है, मैं पर नालायकों तुम्हारी वाली ऑफर नहीं है, जरा ध्यान से देखना। ऑफर का मतलब है सबसे पहले तो देखना फाइनल विलिंगनेस किसी बंदे की। आपकी भी तो फाइनली इच्छा होती थी सर, वो बस मेरी बात सुन ले एक बारी, सर मेरी बात सुन ले। फाइनल विलिंगनेस है मतलब आखिरी इच्छा। और वो इच्छा पता क्या हो सकती है, कोई बंदा, हम कहते हैं कि कोई बंदा किसी को ऑफर दे रहा है तो वो उसकी आखिरी इच्छा होती है कि भैया क्या ये तू काम करेगा, इसका मतलब टू डू समथिंग। ऑफर इज टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के लिए ऑफर दी जा सकती है। और अच्छी बात देखो जरा साथ में देखो, और किसी चीज को ना करने के लिए भी ऑफर दी जा सकती है। हाँ कि ना, नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग, इसका मतलब सर ऑफर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। ऑफर अगर किसी काम को करने के लिए दी जा रही है तो उसे अपन बोलेंगे क्या, पॉजिटिव ऑफर है, और किसी चीज को ना करने के लिए दैट इज नेगेटिव। इसका मतलब ऑफर एक फाइनल विलिंगनेस है। फाइनल विलिंगनेस का मतलब क्या हुआ कि यहां पर ऑफरर, ऑफर देने वाला सीधा एकदम एक्चुअल में एग्जैक्टली आखिरी इच्छा रखेगा कि भैया क्या ये तू काम करेगा, या वाइस वर्सा, भाई तू ये काम नहीं करेगा ना, मैं तेरे को इस चीज की ऑफर देता हूं। आप कहोगे सर एग्जांपल आ रहे हैं, मैंने बोला एग्जांपल देखो, विल यू परचेज माय कार, विल यू परचेज माय कार फॉर रुपीज 4 लाख। जरा मुझे बताओ क्या ये ऑफर किसी चीज को करने के लिए दी जा रही है कि किसी चीज को ना करने के लिए? तो सर ये टू डू है, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव ऑफर है जो कि एक वैलिड ऑफर है। हाँ कि ना, फाइनल विलिंगनेस, ये बंदा अपनी कार को बेचना चाहता है और वो क्लियर बता रहा है और उसी हिसाब से वो अपनी ऑफर दे रहा है। काम को करने के लिए दी जा रही है, टू डू समथिंग पॉजिटिव। सर किसी चीज को ना करने के लिए, मैंने बोला बिल्कुल। मैं आप पर एक एग्जांपल लूँ, बड़े नालायक बच्चे हो, देखो नालायक बच्चे आजकल किस चीज़ में बिजी हैं भाई, ये देखो सर एक ही चीज़ में बिजी हैं सर, दूसरी तो बनी नहीं है अब लग रहा है, फ़ोन। बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, बच्चे कहते हैं सर हम फ़ोन नहीं छोड़ सकते, चश्मे लग गए बच्चों को, नालायक हो चुके हैं एकदम बच्चे, देखो फ़ोन यूज़ कर करके हंस रहे हैं, देखो सामने से हो रहा, ठीक है ना। मैंने एक बच्चे को बोला, मैंने बोला देख भाई अच्छे से लॉ पढ़ ले, कह रहा सर वो तो मैं पढ़ता रहता हूँ मोबाइल के साथ साथ, मैं नालायकों वाली बात नहीं करनी, तू एग्ज़ाम से 2 महीने ना पहले ना क्या करना, फोन को यूज मत करना। कह रहा सर ये तो कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला यही तो पॉसिबल कराना है, मैंने बोला अगर तूने 2 महीने के लिए मोबाइल यूज करना बंद कर दिया, या सिंपली मैं बोलूं अगर तूने 2 महीने के लिए मोबाइल नहीं यूज कराना, तो भैया मैं तेरे को एक बहुत अच्छा प्रेजेंट देने वाला हूँ। सर क्या दोगे? मैंने बोला तेरा जो भी फोन है ना आईफोन का मॉडल, मैं तेरे को सबसे लेटेस्ट वर्जन लेके देने वाला हूँ, अब बता। अब भाई साहब ऐसी बढ़िया ऑफर आई है सर, मजा आ गया सुन के। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं ऑफर किसी चीज को करने के लिए दे रहा हूँ कि किसी चीज को ना करने के लिए? सर आप यहाँ पर ऑफर दे रहे हो किसी चीज को ना करने के लिए, तो ऑफर पॉजिटिव भी हो सकती है जैसा कि ऊपर देखा, और ऑफर नेगेटिव भी हो सकती है, किसी चीज को ना करने के लिए भी हो सकती है। अब एक स्मोकर है, अब मैंने बोला भाई सिगरेट मत पिया करो, बड़ी गलत बात है। वो कह रहा नहीं सर कुछ नहीं होता, बढ़िया आजकल तो सभी पीते हैं। मैं बोला भाई सभी पीते हैं, तू नहीं पिएगा आगे से, तो मैं तेरे को लॉ के सारे लेक्चर्स ना अपलोड करके दूंगा, तो चिंता मत कर, तेरे को घर में पढ़ाऊंगा आके। वो कह रहा है सर पक्का? मैंने बोला पक्का, लेकिन तेरे को स्मोकिंग की हैबिट छोड़नी पड़ेगी। अगर तू ये ऑफर मेरी मानता है, तू पहले सिगरेट छोड़ के दिखा मेरे को, तू 2 महीने के लिए सिगरेट मत पी, तो मैं तेरे लिए ये काम करूंगा। तो मैं उसको ऑफर दे रहा हूँ किसी चीज को करने के लिए कि किसी चीज को ना करने के लिए? सर किसी चीज को ना करने के लिए। तो ऑफर तो हमारी फाइनल विलिंगनेस है, जहां पर एक ऑफरर, ऑफरर कौन होता है, ऑफर देने वाला, अपनी फाइनल इच्छा बताएगा, किसी चीज को करने के लिए भी ऑफर हो सकती है और किसी चीज को ना करने के लिए। जिस चीज को करने के लिए दी जा रही है उसे अपन क्या बोलेंगे कि ऑफर इज पॉजिटिव टू डू समथिंग, और अगर नॉट टू डू समथिंग के लिए हम उसे बोलेंगे ऑफर इज नेगेटिव इन नेचर, राइट?
चलिए सर, ये बात तो हो गई ऑफर की, अब बात आती है बिल्कुल इस जैसा ही वर्ड जो कि सुनने में एक जैसा ही लगता है, इनविटेशन टू ऑफर। सर ये क्या रहेगा? मैंने बोला देखो सर, अब इनविटेशन टू ऑफर की बात आ रही, किस वर्ड की? इनविटेशन। किस चीज की सर? इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर। यहां पर देखने वाली बात क्या है, इनविटेशन का मतलब भैया यहां पर बिल्कुल बिल्कुल जैसा होता है ना शादियों के अंदर, आपको क्या करा जाता है फंक्शंस के अंदर, क्या करा जाता है आप लोगों को सर? इनवाइट करा जाता है। मैं बिल्कुल यहां पर भी ऑफर वालों को, ऑफर देने वालों को इनवाइट करा जा रहा है। सर ये एग्जांपल बना के दिखाओ। मैंने बोला ये देखो, ये देखो, यहां पर कुछ बहुत बड़ी सी कंपनीज बैठी हैं भाई, और ये बहुत बड़ी कंपनी है, और ये बहुत बड़े बड़े क्या बनवाना चाहती है, मान लो फ्लैट्स, ठीक है, इनके पास बहुत सारे प्लॉट्स हैं, उस पर वो फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा करते हैं, न्यूज़पेपर में ना एक ऐड दे देते हैं जिसको अपन लोग टेंडर्स बोलते हैं, राइट? टेंडर्स वर्ड जरूर आपने सुना होगा, टेंडर्स। यहाँ पर कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने न्यूज़पेपर में टेंडर्स एडवर्टीजमेंट दे दी कि भैया हम लोग बहुत सारे 100 नंबर ऑफ फ्लैट्स बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमें ब्रिक्स, सीमेंट, कॉन्क्रीट, जितना भी मतलब एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए रॉ मटेरियल जो भी जिस जिस नाम से चाहिए होता है हमें वो चाहिए। तो जो जो इंटरेस्टेड है वो हमारे पास आके अपने अपनी कोटेशंस मतलब अपने अपने प्राइजेस हमें बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसका नाम ए था, एक बी, सी, एक्स, वाई और जेड, ये छः और तमाम और बंदे कंपनी के पास अपना अपना प्राइज लेके चले गए। क्या लेके चले गए? अपना अपना प्राइज। सर किस चीज़ का प्राइस? इसी चीज़ का भाई कि हम लोग ईंट कितने की देंगे। ए कह रहा है कि भैया हम मुझसे एक ब्रिक आप 5 रुपए की ले लेना, सीमेंट 10 रुपए का ले लेना। बी कह रहा है मुझसे ईंट या ब्रिक 6 रुपए की ले लेना, सीमेंट 8 रुपए का ले लेना। ऐसे हर बंदा अपने अपने प्राइस कोट कर रहा है, बता रहा है कि मैं इस प्राइस में आपको सारे सामान, बिल्डिंग का जितना भी सामान है दे पाऊंगा। तो बताओ जरा कंपनी, यहाँ पर कंपनी ने क्या ऑफर दिए? कंपनी ने ऑफर तो सर दी नहीं है, हाँ कि ना? कंपनी तो यहाँ पर जनरल पब्लिक के बीच में टेंडर्स के थ्रू मतलब एडवर्टीजमेंट करके न्यूज़पेपर में कंपनी ने ए बी सी हो चाहे एक्स वाई जेड हो, इन लोगों से कंपनी अभी चाहती क्या है? कंपनी ने इनको डायरेक्ट ऑफर तो दी नहीं है, फाइनल विलिंगनेस नहीं बताई है। कंपनी ने तो बस ये बोला है कि भैया वी आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग सम फ्लैट्स। तो कंपनी ने इन सारे जो भी माल पहुंचाने वाले बंदे हैं, कंपनी ने उनको बोला कि आप हमारे पास आओ। तो ये लोग आ गए देखो, और कंपनी के पास आओ और हमें बताओ कि भैया आप किस किस रेट पे हमें सामान प्रोवाइड कर सकते हो, फिर हमारी इच्छा हम परचेज करें या परचेज ना करें। इसका मतलब यहाँ पर कंपनी ने इनवाइट करे कि आप हमारे पास आओ और हमें ऑफर देके जाओ। खुद देखो ना, एबीसी या एक्स वाई जेड कंपनी के पास आके कंपनी को अलग अलग प्राइस की क्या देंगे? ऑफर देंगे। फिर कंपनी की मर्जी है, कंपनी को जो सुटेबल लगेगा कंपनी उस हिसाब से खरीदेगी, नहीं तो नहीं खरीदेगी। मतलब इनविटेशन टू ऑफर में जरूरी नहीं है कि जिसने इनवाइट करे जनता को ऑफर देने के लिए, यहां पर कंपनी इनवाइट कर रही है लोगों को कि आप हमारे पास आओ और हमें ऑफर देके जाओ, फिर हमारी मर्जी है, हमें सूट करेगा तो हम लोग खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। आपके सामने एग्जाम्पल है, कंपनी ने फ्लैट्स बनाने थे और कंपनी ने उस फ्लैट्स बनाने के लिए अलग अलग डीलरों को न्यूज़पेपर में टेंडर्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट दे दिया। अब अलग अलग लोग आके अपने अपने प्राइजेस की ऑफर दे रहे हैं कंपनी को। तो यहां पर कंपनी ने इनवाइट कर रही है लोगों को कि आप हमारे पास आओ और हमें ऑफर देके जाओ, फिर कंपनी को अगर बढ़िया लगेगा तो कंपनी खरीदेगी, नहीं तो कंपनी उन्हें मना कर देगी। तो इसका मतलब सर ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में क्या फर्क हुआ? मैंने बोला देखो सर, ऑफर तो थी सर, आपने बार बार बोला ऑफर थी फाइनल विलिंगनेस। ऑफर क्या थी? फाइनल मतलब आखिरी इच्छा, बिल्कुल जो हम चाहते हैं बिल्कुल सामने बता देता, फाइनल विलिंगनेस, हाँ कि ना? लेकिन सर इनविटेशन टू ऑफर, सर इनविटेशन टू ऑफर फाइनल विलिंगनेस तो है ही नहीं, वो तो एक स्टार्टिंग का इनिशियल प्रोसेस है। यहाँ तो कंपनी पहले क्या चाह रही है, कंपनी कह रही है हाँ हाँ आप आओ तो सही, हमें ऑफर देके जाओ तो सही, फिर हमें सूट करेगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना? तो ऑफर के बारे में हमने क्या सीखा, ऑफर एक फाइनल विलिंगनेस है जहां पर बंदा अपने एग्जैक्ट किसी चीज को करने के लिए ऑफर देगा या किसी चीज को ना करने के लिए, जिसको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया था। और इनविटेशन टू ऑफर में यहां पर एक बंदा दूसरे बंदों को बस कह रहा है कि आप मेरे पास आओ और अपनी ऑफर हमें देके जाओ, अगर हमें सूट करेगी तो ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना? कितना बढ़िया था देखो आज का टॉपिक, है ना? ठीक है भाई,
तो पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए लॉ एकदम एग्जाम्पल्स वाली बना दी जाए, एकदम झकास टाइप, ठीक है ना। तो जितनी भी वीडियोज आपने देखा है वो रियल लाइफ एग्जाम्पल पर बेस्ड होती हैं, अच्छी लग रही है लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों से भी शेयर करो, नालायक होंगे वो भी देखो बिल्कुल आप लोगों की तरह हाँ ही ना, ठीक है ना। तो सारे नालायकों का भला करने निकले हैं भाई हम लोग, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करिए और भी वीडियोज़ देखते रहिए, टैक्स की भी काफ़ी वीडियोज़ अपलोड हैं, अकाउंट्स के बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए अगर आप लोगों के कम है तो, ठीक है ना। क्योंकि सीपीटी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अकाउंट्स आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमारे कॉमर्स सीखो चैनल के अंदर अकाउंट्स के बहुत सारे बेसिक्स के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स बने हुए हैं, तो आप उसे देख के बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं टॉपिक, वो भी एकदम रियल लाइफ एग्जांपल्स पर बेस्ड है, इजीएस्ट अप्रोच है, कोई टॉपिक मुश्किल है ही नहीं, आता ही नहीं भाई मुश्किल टॉपिक कराना हम लोग को, तो है ना भाई। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।